फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। कोचिंग में अगर पढ़ना है तो मतलब बोलो तो साइंस विजडम में ही आके पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी मिलता है। और उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दिलों में आग लगो पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं और सब अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। हमें चिराग समझकर बुझा नहीं पाओगे, क्योंकि हम अपने घरों में कई आफताब रखते हैं। स्तर से इन लोगों को 25% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास करेंगे, एलेन कोटा में या पटना गोल में या मेंटर्स पटना। हाँ बिल्कुल पकड़ है, और पटना में तो कंप्लीट पकड़ है। पटना मेरा डिफेंस एकेडमी था पुराना। पहाड़िया ब्लॉक में ऐसा रिजल्ट देने वाला कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हर साल हम लोग प्रतिवर्ष 90% फर्स्ट डिवीजन से यहाँ से बच्चे पास करते हैं। साइंस ओपन है, और आपके माध्यम से भी सूचना देना चाहते हैं, जितने मैट्रिक में लड़के डिविजनर लड़के हैं, जितने पास आउट हुए हैं, सबका मोस्ट वेलकम है। आकर के संजय सर से एक बार जरूर मिलिए, क्लास कहीं कीजिए, हमसे जरूर मिलिए। बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए ये साइंस विजन है, साइंस विजन का हब माना जाए तो इसमें कोई दुराई नहीं है। आज 12th और मैट्रिक का जो बच्चे सफल हुए हैं, अच्छा मार्क्स लाए हैं, उन लोगों को प्रोत्साहन बहुत ही समान तमाम चीज दिया गया उन लोगों को, इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चे इन फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाहते हैं। साथ में देखिए चर्चित चेहरा संजय सर हैं और साइंस विजन के ये टीचर हैं, शायद बहड़िया में टॉप ये कोचिंग है। हम बातचीत करेंगे सर अशोक सागर जी, आप आज इतना लेट क्यों, 12th और मैट्रिक रिजल्ट आने के बाद इतना लेट क्यों? देर आए दुरुस्त आए, क्यों? उसका कुछ रीज़न था, चूँकि बच्चे हमारे कुछ टारगेट में थे, मैंने कुछ टारगेट अचीव करना चाहते थे, तो रिजल्ट के बाद अभी सारे कंपटीशन का फॉर्म निकला हुआ है, तो वो कॉम्पिटेटिव फॉर्म जैसे DCSE BCSE नीट JEE को फॉर्म फिलअप कराने के लिए हम लोग लास्ट टाइम में उन लोग को बुलाते हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। अभी तो नीट का तो पेपर होने जा रहा है, JEE का पेपर फिलहाल पिछले वीक में चल रहा था, DCSE का निकला है, BCSE निकलने जा रहा है, तो ये फॉर्म निकला हुआ है, इसी के गाइडेंस में हम लोग बच्चों को बुलाए हैं। तो साथ एक पंथ दो कार्य, यानी कि एक साथ दो दो कार्य हो जाए, इसलिए लोगों को लेट से बुलाया गया। तो मैट्रिक के बाद से JEE और नीट का हार्ड एग्जाम होता है, पॉसिबल है बच्चों को क्लियर कर पाना? इतना बिल्डअप कर दिया गया है कि ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, तो JEE नीट का, हाँ ये बात का सही है कि बढ़रिया से JEE नीट निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना संजय सर का काम है। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उस लायक हैं, जिसमें से दो तीन बच्चे अभी अब्सेंट हैं जो कोटा भेज दिया गया है, कोटा चले गए हैं, और हम पेरेंट्स लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे लिस्टिंग किए गए हैं जिनको कोटा पटना भेजा जाए तो निकाल सकते हैं। निश्चित वन मतलब सिर्फ एक बैच में टारगेट बैच लेकर के निकाल लेंगे, और यहाँ तक कि हम चैलेंज करते हैं, हम अपने स्तर से इन लोगों को 25% एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास करेंगे, एलेन कोटा में या पटना गोल में या मेंटर्स पटना। पकड़ है आप? हाँ बिल्कुल पकड़ है, और पटना में तो कंप्लीट पकड़ है। पटना मेरा डिफेंस एकेडमी था पुराना कोचिंग, और मोशन क्लास है, उसमें जाएंगे तो हमारा बोर्ड बैनर देखेंगे, मेरा पिक देखेंगे, मेरा फोटो देखेंगे। अभी ईद के छुट्टी में 3-4 रोज हम वहीं बिता के आए हैं पटना में। 12th में कितने बच्चे थे और मैट्रिक में कितने बच्चे थे? 12th में हमारे यहाँ बच्चे 200 प्लस थे, जिसमें से 160 प्लस फर्स्ट डिविजनर हैं, 160 प्लस फर्स्ट डिविजनर है, और फर्स्ट डिविजनर में गुड मार्क्स हाँ 400 प्लस मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं। पास मार्क्स कितने परसेंटेज है? पासिंग मार्क्स मीन्स 200 बच्चे में कितना बच्चे पास कर गए? तो अब देखिए ना, हमारे यहाँ 200 प्लस बच्चों में 160 प्लस जो हैं फर्स्ट डिविजनर हैं। हाँ बाकी कुछ बच्चे जो होते हैं, चूँकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही आवा में सब बर्तन पक जाएगा, कुछ कच्चे भी रह जाते हैं और वो सेकेंड डिविजनर हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं अभी 12th में? प्रेजेंट टाइम में जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है 12th में, उसमें 200 प्लस हैं। 11th वालों के लिए शुभकामना और वेलकम, चूँकि आज से हम लोग बैच शुरू करने का आगाज कर, आज ही से शुरू हो रहा है, और इसीलिए यही भी ओकेजन है लेट से करने का, यही भी मकसद है। एक सवाल और अंतिम मिलेंगे कि
मैट्रिक में देखा गया 3 बच्चियाँ थी, यही अच्छा मार्क्स लाई है, तो बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या क्या, ऐसा क्या लॉजिक क्या? मैट्रिक में एक बच्चा था जो अब्सेंट है, वो पटना निकल चुका है स्टडी के लिए, वो टॉप है, सेकेंड में लड़की है, थर्ड में भी लड़की है, और ओवरऑल और हमारे यहाँ जितने भी मतलब प्लस टू या टेंथ में जो टॉप किए हैं लड़के, उसमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या इसलिए ज़्यादा है कि ये लोग गार्जियन के देखरेख में हैं और लड़के गार्जियन के देखरेख में नहीं हैं। लड़के हाथ से निकल चुके हैं वो, हम चूँकि हमारे यहाँ 5 घंटा क्लास चलता है, हमको नहीं लगता है कि लोकल एरियाज में 5 घंटा कोई कोचिंग चलाने वाला इंटर का कोई होगा। सारे लोग 2.5 घंटा 3 घंटा के अंदर शट आउट कर लेते हैं। तो 5 सब्जेक्ट 5 टीचर 5 घंटा, दिस इज कंपलसरी। हाँ, और ये प्रत्येक सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ शिक्षक हैं, ठीक है, और सबको 1 घंटा देना है। सारे टीचर्स का रूटीन वर्क चेक होता है, प्रोजेक्ट वर्क चेक होता है कि आपके इस सप्ताह का प्रोजेक्ट वर्क क्या है, आपने क्या किया इस सप्ताह में, ठीक है। तो एक टीचर 1 घंटा समय देगा तो 5 घंटा लगेगा ही, और जबकि हमको लगता है कि इस एरिया में 2.5 घंटा में इंटर की पढ़ाई हो जाती है, तो 2.5 घंटा में पॉसिबल नहीं है, मेरे परिभाषा में पॉसिबल नहीं है, दूसरे के परिभाषा में हो ये नहीं कह सकते। आज से 11 के बैच शुरू हुआ है, बच्चे सिवान छोड़कर आपके कोचिंग में क्यों आए? सिवान छोड़कर, अब हम सिवान में भी हैं, बढ़रिया में भी हैं, तो सिवान छोड़कर बढ़रिया में टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मतलब कि उसको टाइम किल नहीं होता है, ठीक है। अगर लड़के रेगुलर हों, पंक्चुअल हों, तो यहाँ से सारे चीज़ अचीव कर सकते हैं, बढ़िया से बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, बशर्ते वो रेगुलर हो, पंक्चुअल हो, गार्जियन के देखरेख में हो। तब एडमिशन ओपन है, एडमिशन ओपन है, क्लास आज से ओपन है, और आपके माध्यम से ये भी सूचना देना चाहते हैं, जितने मैट्रिक में लड़के डिविजनर लड़के हैं, जितने पास आउट हुए हैं, सबका मस्ट वेलकम है, आकर के संजय सर से एक बार ज़रूर मिलिए, क्लास कहीं कीजिए, हमसे ज़रूर मिलिए। चार्ज है कोई एडमिशन चार्ज है आपके यहाँ? एडमिशन चार्ज हम लोग नहीं रखते हैं, चूँकि रूरल एरिया है, हम लोग को हेल्प भी करना है, तो एडमिशन चार्ज 0 बैलेंस है, पर मंथ फी है जिसका 1000 लगता है, और इंस्टॉलमेंट में भी है, 1 टाइम में भी है, सारी फैसिलिटीज है। जो बच्चा बच्चे सक्षम नहीं है, क्या कुछ है आपको कुछ है? सक्षम नहीं है तो उसके लिए संजय सर है ना? अच्छा, बच्चे बिल्कुल नहीं आपके? हाँ, ऑलरेडी है बिल्कुल, वो तो शुरू से ही है कि जो जिस लड़के जो यतीम है, जिसके फादर्स नहीं है, या BPL श्रेणी से है या पुअर से है, तो उसको हम लोग हेल्प करते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सारे लड़के निकले हुए हैं। लोकेशन बता दीजिए। लोकेशन जामो रोड बढ़रिया, जामो रोड साइंस विजन ये जामो रोड। हाँ, साइंस विजन जामो रोड साइंस विजन, बस एक ही है। सन्ना नौशाद। कौन सा क्लास? 10th जी। कहाँ सेंटर कहाँ गया था? महाराजगंज गया था सेंटर। महाराजगंज क्यों? महाराजगंज क्यों? अगर जैसे सिवान के तो सिवान जाना चाहिए, पढ़ने में भी पूरा था लड़का वो जी जी, लेकिन फॉर्म भराया था वहीं से, तो सो वहीं पे गया था, मतलब अब्बू ने वहीं से फॉर्म डलवाया था। कितना मार्क्स किया था? 426। टॉप है आप जी? साइंस सेकेंड टॉपर जी। 10th में पढ़ाई करते हैं जी? 11th 12th डांस तैयार कर रहे हैं। 11th 12th अभी यहाँ से नहीं करना है मुझे, यूपी बोर्ड से करना है, CBSE बोर्ड से करना है, लेकिन यूपी से जी। यूपी से क्यों, मतलब क्या? एक्चुअली मेरी फैमिली वहीं पे शिफ्ट होने वाली है, सो दैट यूपी से जी। अच्छा, कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? कोचिंग में अगर पढ़ना है तो मतलब बोलो तो साइंस विजडम में ही आकर पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के साथ मोटिवेशन भी मिलता है, और यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं उस पढ़ाने के बाद ज़रूरी है बच्चों को मोटिवेशन दे, क्योंकि मोटिवेशन से बच्चे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे तो अब यहाँ पे मीडिया वगैरह आ गए, सो यहाँ पे बच्चों का और मनोबल बढ़ेगा कि आगे वो और देखे और पढ़े, तो ये सब साइंस विजडम के बारे में। पढ़ाई करती हूँ तो आवर्स नहीं देखती हूँ, पढ़ाई में आवर्स नहीं देखती हूँ, घंटे कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू, मतलब जब अगर पढ़ती रहो, अगर थक जाओ तो रेस्ट लो, मूव करो, देन फिर आके स्टडी करती थी। क्या उम्मीद है इससे बेटर मार्क्स लाएंगे आपको? जी जरूर, इससे बेटर लाऊंगी। सना नौशाद। देखिए, मेरे अभी तक जो मेरे संस्था की सवाल है, इस संस्था में, इस कोचिंग में, पूरे बढ़रिया ब्लॉक में ऐसा रिजल्ट देने वाला कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हर साल हम लोग प्रतिवर्ष 90% फर्स्ट डिवीजन से यहाँ से बच्चे पास करते हैं, जो फेल तो नाम मात्र यहाँ से होता है, और हमारे जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मैं उसको बच्चों को इतनी
आसान ट्रिक के साथ उसको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि सबको समझ में आए और किसी को परेशानी ना हो। जो लड़के 10th क्लास पास करके आते हैं और उनको कहने का क्या है, कहीं पर भी जो है बेसिक नॉलेज काफ़ी नहीं मिला रहता है, बहुत सारे दिक्कत को सामना करना पड़ता है। तो पहले हम लोग कम्प्लीट 9th और 10th का जो बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री का, पहले मैं उसे देता हूँ, उसके बाद ही जो है 11th का सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। और हमारे यहाँ से जो भी इस साल 10th क्लास में और 12th क्लास में काफ़ी अच्छे बच्चे मार्क्स लाए, हमारे 10th और 12th दोनों क्लास में हाइएस्ट मार्क्स 433 गया। 10th क्लास में 433 जो न्यूटन सुनी नाम के लड़का है फर्स्ट रैंक लाया, सेकंड रैंक सन अवसाद है 10th क्लास में, वो 426 अंक प्राप्त की। और थर्ड रैंक है निधि गिरी का जिसका 405 अंक प्राप्त की, 400 प्लस ही है। 12th क्लास की बात जहाँ तक है, प्रिंस कुमार जो है उसने 433 अंक प्राप्त किया, फर्स्ट रैंकर है। सेकेंड रैंक सुप्रीत कुमार है जिसने 417 अंक प्राप्त किया, और थर्ड रैंकर लड़की है सना परवीन जिसने 399 अंक प्राप्त किया। और ऐसे देखा जाए तो 390 प्लस हमारे संस्था में लगभग 20 से 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स प्लस टू में 390 प्लस आया है, और 350 प्लस तो समझिए कि 90 प्लस स्टूडेंटों का मार्क्स आया है। और रहा सवाल 10th क्लास में, तो 10th क्लास में नियर अबाउट 40 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 380 प्लस आया। अब रहा सवाल लड़कों सब का अपना पढ़ाने का एक टेक्निक है, और हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को मटेरियल देते हैं ताकि बच्चे काफ़ी एग्रेसिव होकर के उस मटेरियल को लेने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से पढ़कर हमारे बच्चे जो 10th क्लास में यहाँ से पढ़ करके वो जा करके जामिया का, AMU का, BHU का एंट्रेंस क्वालिफाई भी करते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ से प्लस टू पास करते हैं वो यहाँ से नीट का और JEE का एंट्रेंस तैयारी करते हैं और अंततः वो क्वालिफाई भी करते हैं, और अच्छे यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन भी होता है आगे के लिए। मेरा नाम इमरान अंसारी पड़ेगा, मैं बढ़िया साइंस विजन में फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। ट्वेल्थ पास कर लिया मैंने, एग्जाम दे चुकी हूँ। दे दिया मैंने। अच्छा, कितना दिनों से उसको चुनी है? एक साल से। हाँ। कितना मार्क्स का है वो आपका? 340। अच्छा, इसमें क्या इससे बेस्ट लगता है, क्योंकि बच्चों को इसमें स्टे करना चाहिए पढ़ने के लिए? द वे ऑफ टीचिंग ऑफ आवर टीचर्स। तो सब में तो वैसे वे तो अच्छा होता है, हर टीचर ही होता है। हमारे टीचर्स इतने मतलब कोशिश करते हैं कि जितना इजी वर्ड्स में पढ़ाएं, बच्चों को सिस्टमेटिक पढ़ाएं, मतलब इजी वर्ड्स में ऐसे पढ़ाएं कि बच्चों को समझ में आए इजीली सारे थिंग्स। डिफिकल्ट है लड़के हैं और वो स्टडी करना चाहते हैं तो बढ़िया में साइंस में। हाँ। क्या इसमें स्पेशल है जो बच्चों आकर यहाँ से करते हैं? जो टीचर्स हैं वो सिंसियर होकर पढ़ाते हैं, देखते हैं बच्चों में क्या वीकनेस है, उनकी वीकनेस को दूर करते हैं, और उसके बाद से इनमें क्या सुधार लाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट, और जितना ईजी वर्ड्स में इनको समझाया जाए वैसे समझाते हैं, तो हम लोग के लिए पढ़ाई ईजी हो जाता है, समझना ईजी हो जाता है। नीट पॉसिबल है यहाँ से? नीट क्या है? बिल्कुल, अगर जो स्टूडेंट्स है वो केयरफुली सर मतलब जो क्लासेस चल रही हैं उन पर केयर करें, ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ से नीट क्रैक हो सकता है। संजय सर शिवानी पढ़ाते हैं, किसी के नाम के लिए आते हैं यहाँ पर क्लास में लेते हैं? संजय सर का कोचिंग तो शिवानी भी है, लेकिन यहाँ वो अपना हमेशा हम लोगों ने देखा है कि किसी दिन भी क्लास नहीं छोड़ते, यहाँ आते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, पूरा दिल से पढ़ाते हैं। प्रिंस कुमार। कितना मार्क्स का आता है? 433। उम्मीद था कि इतना नंबर आपको आएगा? यस सर, सर बोले तो 450 लाने से आप मुझसे उम्मीद रखे थे, तो अभी तो कम ही आया है। घर से और यहाँ से कोचिंग यहाँ पे पढ़ता था और घर पे बस। देखा जाएगा, सर बोले अभी। सर तो बोले सर BPSC तैयारी करना है, तो यहाँ पर अगर तैयारी करनी है क्या? ना पटना पढ़ना तैयारी करना है। अच्छा, यहाँ पे कितने सालों से पढ़ रहा है? क्या साइंस विजन में कितने सालों से पढ़ रहा है? फर्स्ट और सेकंड ईयर। फर्स्ट और सेकंड जी। अच्छा, जो यहाँ पे बेसिक जो नॉलेज होता है बच्चों को दिया जाता है, बेसिक स्ट्रॉन्ग था आपका यहाँ पे आकर स्ट्रॉन्ग हुआ? नहीं, यहाँ पर आके स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि सर जब मैं जिस कोचिंग से पढ़ गया है वो कोचिंग उतना स्टैंडर्ड में नहीं था, लोकल था थोड़ा, तो यहाँ पे आकर सब मेरा क्लियर हो गया। सर आपको जब साइकिल दे रहे थे तो क्या कह रहे थे मंच के माध्यम से, क्या संबोधित कर रहे थे? अच्छा लगा मुझे मार्क्स लाकर साइकिल, मैं लड़का और मेहनत करे और साइकिल ले जाए, गिफ्ट प्राइज ले जाए। एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? वो देखिए कोचिंग तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई होता है वो एकदम नो एकदम या हम सानी कोणवा के निवासी हैं। सानी कोणवा जी, 7-8 किलोमीटर पड़ेगा। 7 काम साहब घर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं,
आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। सर आप साइंस म्यूजियम में चलाते हैं, एक स्कूल भी खुले हुए हैं। जी जी, रनिंग कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, लगभग 100+ बच्चे हो चुके हैं लगभग 10 से 12 दिनों के अंदर। बच्चों लोगों को मोटिवेशन के लिए क्या कुछ कहिए? जी हम कुछ क्रिएटिव क्लासेस अरेंज कर रहे हैं अभी फिलहाल में, और आगे भी सोच है कि बच्चों को कुछ इस तरीके से एजुकेशन दें, चूँकि बढ़रे में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन मेरा सोच है कि इस स्कूल को हम काफ़ी ऊँचे स्तर तक लेकर के जाएं। कुछ मोटिवेशनल लाइनें हो जाए जो बच्चों को ये करते हैं? जी जी बिल्कुल, हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए, भूलना भी है याद रखने के लिए, पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए, और उम्र कट गई जिन हाथों को पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे मैं साइंस विजन के बारे में बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे साइंस, ये बढ़रिया के अंदर बहुत सारे कोचिंग चलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इंडिविजुअली किसी का, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 2-4-10 रिजल्ट को लेकर के वो काफ़ी मतलब कि ज़मीन को छोड़ करके आसमान में चले जाते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दिलों में आग लगो पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लगो पर गुलाब रखते हैं, और सब अपने चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं, हमें चिराग समझकर बुझा नहीं पाओगे। मैं साइंस विजन की बात कर रहा हूँ, हमें चिराग समझकर बुझा नहीं पाओगे, क्योंकि हम अपने घरों में कई आफ्ताब रखते हैं। आज से हमारे यहाँ 11th का जो नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, लगभग 50+ बच्चे आए थे हमारे यहाँ, हमने सारे बच्चों को मोटिवेट भी किया और क्लासेस भी चलाए हम लोग। जी संदीप सर, जी बिल्कुल, स्टूडेंट में मिल जाते हैं जाहिर सी बात है, बिल्कुल। क्या पढ़ाते क्या? जी मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। टीचिंग लाइन में क्यों आप अभी एज है, अच्छा डॉक्टर बन सकते थे? देखिए एक होता है पेशेंस, तो मैंने टीचिंग प्रोफेशन को बहुत अच्छा मैंने देखा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुझे पढ़ाना बहुत बेहतर लगता है, ठीक है, और बहुत सारे हमने जगह काम भी किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाई भी किया और मैं आज पढ़ा भी रहा हूँ। कौन सा काम कौन सा किया? जी मैं पहले एज ए बात की जाए तो इंडस्ट्री में काम करता था, ठीक है, लेकिन मैंने जब वहाँ पर गया तो पढ़ाई का महत्व देखा, उसके बाद मैंने BSc किया, MSc किया, उसके बाद मैं थेसिस कर रहा हूँ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से, उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये पार्ट टाइम है? ये नहीं पार्ट टाइम नहीं, मैं पूरा अपना टाइम देता हूँ यहाँ पर, पूरा टाइम देता हूँ यहाँ पर मैं। फ्यूचर टीचर ही बनना है आपको? जी बिल्कुल। बच्चों में क्या रुझान है बायोलॉजी के लेकर? देखिए मैं सबसे पहले यहाँ जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ने आते हैं, आप जानते हैं कि हिंदी मीडियम उतना तो कंटेंट मिल नहीं सकता है, तो मैं जो लड़का 11th में आता है उसमें बेसिक्स उठाता हूँ, पूरा हिंदी मीडियम जो बच्चा है उसको इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करते करते जो मेरे यहाँ बच्चा पढ़ने आता है 12th जैसे एंट्री करता है तो उसको 80% इंग्लिश में उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, और उस बेस पर पूरा NCERT पढ़ा कर उसको पूरा मैं मेडिकल लेवल तक पढ़ाता हूँ। जो लड़का मेरे यहाँ पढ़ता है 12th क्लास उसको मैं NCERT के साथ साथ नीट का मैं क्वेश्चन में करवाता हूँ, और उसको मैं बोलता हूँ बार बार कि आप क्वेश्चन मेरे थ्री पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से अपना क्वेश्चन कीजिए, और लड़का बढ़िया करता है, हाल ही में लड़के यहाँ से नीट में अच्छा स्कोर की है, यहीं के संस्था के पढ़े लड़के से। जी मेरा नाम चुन्नू कुमार है। जी 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 मैं रानीपुर का हूँ। जी।